हरियाणा पुलिस की जो भर्तियां हैं तो उसकी जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, एक तो भर्ती आपकी अभी चल ही रही है, आपको पता है कि जिसमें 7,000 के करीब पद हैं, जिसमें SI की भी वैकेंसी है, कॉन्स्टेबल की भी वैकेंसी है। अब यहाँ पे एक बड़ा है, एक ये डाटा निकल के आया है कि कितनी वैकेंसी खाली है। तो अब उम्मीद ये रहेगी कि अब ये जो भर्ती आपकी चल रही है, जिसका कॉन्स्टेबल का अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, इसके बाद भी एक जल्द ही बड़ी भर्ती और आएगी, इसकी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो डाटा निकल के आया है कि हरियाणा पुलिस में अभी हाल फिलहाल 24,000 से भी ज़्यादा पद खाली हैं। तो उसमें जो है अभी 6600 पदों पर जो भर्ती, एग्जैक्ट बात करें तो 6600 पदों पर अभी भर्ती चल रही है, जिसमें SI की और कॉन्स्टेबल की भर्ती है। तो यानी आप देखिए 24,000 में से आप ये 6600 पद आप निकाल भी दें तो भी आपके काफ़ी पद जो है ये खाली रह जाते हैं। तो एक बात ये है, जितने पद इसके बाद खाली रह भी जाएंगे भर्ती पूरी होने के बाद जो अभी चल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक साथ सभी भर्तियों को पूरा कर दें। ऐसा होता भी नहीं है कि जितने पद खाली पड़े हैं उनको एकदम से भर दें पूरे 24,000 के 24,000 पदों को, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उम्मीद ये करी जाएगी कि 5,000-6,000 7,000 के करीब फिर से पदों की एक भर्ती जल्द आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने बताया कि 24,181 पद अभी खाली हैं, महिला स्टाफ के भी 4,498 पद हैं जो कि स्वीकृत हैं, उनमें से 1,383 पद खाली हैं। तो पुलिस विभाग में कुल 74,910 कुल जो है पद हैं हरियाणा पुलिस में, टोटल हैं ये, इनमें से ये 24,000 के करीब जो पद हैं वो खाली हैं। ठीक है, तो 5,500 जो कैंडिडेट्स की भर्ती अभी चल रही है कॉन्स्टेबल की, और 1,100 पदों की महिला कॉन्स्टेबल की भर्ती जो चल रही है, यानी 6,600 पदों की, और SI की जो है 400 पद है, और इसके साथ में जो है जो शायद SI की भी जो है फीमेल की भी 55 के करीब जो पद हैं, यानी 7,000 से ज़्यादा आपकी वैकेंसी टोटल अभी जो पाइपलाइन में हैं। तो एक जल्द उम्मीद करेंगे कि अब एक और भर्ती हरियाणा पुलिस की आएगी, तो जैसे ही कोई अपडेट इससे जुड़ी आती है कि हाँ ये भर्ती का जो डाटा है वो मांग लिया गया, इनको मांग पत्र जो है HSSC के पास भेज दिया गया, तो अपडेट आपको मैं ज़रूर दूंगा। चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना, घंटिया निशान को दबा लेना। ये अपडेट आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।